पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को होगा। अगले दिन यानी 12 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन और दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भव्य तरीके से घरों में माँ का स्वागत किया जाता है। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में इन राशियों के अनुसार करें ये उपाय, धन और दौलत में होगी वृद्धि। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत में शारदीय नवरात्रि के पर्व को उत्सव की तरह मनाया जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर डांडिया, गरबा व पूजा पाठ से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इन दिनों न केवल पूजा बल्कि व्रत रखने का भी विधान है। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से समस्त परेशानियों का निवारण भी होता है। अगर ये उपाय राशि के अनुसार किए जाएं तो और भी लाभकारी माने जाते हैं। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। मेष राशि। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल और वस्त्र अर्पित करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। वृषभ राशि। शारदीय नवरात्रि के दिनों में माता रानी को सदाबहार बेला और सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं। इससे सभी समस्याओं का निवारण होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग माता रानी को गुड़हल और केवड़े का पुष्प अर्पित करें। इससे जीवन में माता रानी की कृपा बरसेगी। कर्क राशि। कर्क राशि शारदीय नवरात्रि में सफ़ेद चंदन अथवा मोती की माला से माता रानी के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्यदेव की उपासना में गुड़हल के फूल का विशेष प्रयोग होता है। ये फूल दुर्गा माता को भी अति प्रिय है। ऐसे में इस फूल को अर्पित करने से विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि। इस राशि के जातकों को नवेद में खीर का भोग लगाकर देवी को हरे वस्त्र अर्पण करें। इस दौरान तुलसी की माला से जाप करना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, साथ ही जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को शारदीय नवरात्रि में कन्याओं को सफ़ेद रुमाल भेंट करना चाहिए। इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। वृश्चिक राशि। शारदीय नवरात्रि में कन्याओं को माता की लाल चुनरी पहनाकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही समस्या दूर होगी। धनु राशि। इस राशि के जातकों को नवरात्रि के दौरान हल्दी की माला से देवी मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दौरान पीली मिठाई और केले का भोग देवी को लगाएं, साथ ही धार्मिक पुस्तक का दान करें। इससे सफलता के योग बनने की संभावना बनी रहती है। मकर राशि। इस दौरान मकर राशि वालों को माँ भगवती को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए, साथ ही अष्टमी तिथि पर जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को गुड़हल, बेला, चमेली आदि से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि। आप गेंदा, गुलाब, गुड़हल के फूल देवी को अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में खुशहाली का वास होगा। तो मित्रों, यह थी राशि अनुसार कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा आप स्वस्थ रहेंगे और आपके सभी काम सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूँ कि माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगी और नवरात्रि के दिनों में आप सभी के कार्य संपन्न होंगे। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय हों।